एक्टिंग की दुनिया से लेकर सियासत के गलियारों तक अपना नाम बनाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्मृति मल्होत्रा के नाम से जन्म लेने वाली लड़की आज लोगों के बीच में स्मृति ईरानी के नाम से जानी जाती है। स्मृति जैसे ही 16 साल की हुई उनके शौक बदलने लगे थे। उन्होंने गेम्स में हिस्सा लेना शुरू किया और फिर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चली गई। कुछ ही समय बाद स्मृति का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हो गया था, जिसमें उन्होंने टॉप 5 में जगह भी हासिल कर ली थी। यहीं से उनके मॉडलिंग करियर और स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी। एक इंटरव्यू में स्मृति ने बताया था कि मैंने 1998 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर मेरे घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं देखने में इतनी सुंदर नहीं थी और दिखने में किसी मॉडल के आसपास भी नहीं थी, इसीलिए जब मुझे कॉन्टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया तब मुझे काफी आश्चर्य हुआ और फिर मैं फाइनल्स के लिए मुंबई आई थी। उन्होंने बताया था कि मेरे पिता कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से इतने खुश नहीं थे, किसी को विश्वास नहीं था कि मैं फाइनल्स में पहुंच सकती हूं। मैंने अपने पिता से 2 लाख रुपए ये कहकर उधार लिए थे कि ये पैसे मैं उन्हें आने वाले समय में वापस कर दूंगी। मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन और अपने खाने के पैसों का भुगतान किया। बाहर का खाना, मुंबई का सफर, टैक्सी का किराया और अकेले रहने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा था। दुर्भाग्य से मैं आखिरी दौर तक आई लेकिन वो कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाई। इसके बाद पैसा कमाने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट में फर्श साफ करने का काम किया। रेस्टोरेंट में नौकरी करते वक्त स्मृति की मुलाकात एक अमीर पारसी लड़की मोना ईरानी से हुई। बता दे कि मोना जुबीन ईरानी की पहली पत्नी है। मोना स्मृति से मिली तो दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती और बढ़ने लगी। स्मृति की परेशानियों को देखते हुए मोना ईरानी ने कई बार उनके फ्लैट का किराया भी दिया। ऐसे में धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती गई। स्मृति की मोना के पति जुबीन से दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि जब स्मृति टीवी शो में काम करने लगी तो वो अलग रहने लगी थी। फिर मोना और जुबीन आपसी रजामंदी से अलग हो गए और दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद जुबीन ने स्मृति से शादी कर ली। जुबीन ने मार्च 2021 में स्मृति से शादी की। बता दे कि शादी के बाद स्मृति के बेटे जौहर का जन्म 2001 में उस वक्त हुआ था जब वो सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग कर रही थी। इसके 2 साल बाद 2003 में स्मृति ईरानी बेटी जोइश की मां बनी। एक इंटरव्यू में स्मृति ने कहा था कि मैंने जुबीन से शादी की क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी। मैं उनसे सलाह लेती थी, उनसे बात करती थी, हम रोज मिलते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें और हमेशा के लिए एक अच्छे दोस्त और शादीशुदा कपल बन जाएं। मेरे और उनके दोनों के घर वाले हमारी शादी से खुश थे और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना था कि अपनी फैमिली को दुख देकर शादी करने से कोई भी कपल कभी भी खुश नहीं रह पाता और उनकी शादी भी बर्बाद हो जाती है। स्मृति ने बताया था कि मैं बहुत खुश हूँ कि जुबीन मेरे साथ है। वो मेरे लिए एक ऊर्जा की तरह है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी शादी इतनी सफल है क्योंकि जुबीन का पहले तलाक हो चुका है, मगर जुबीन की पहली पत्नी मोना और उनकी बेटी शनेल से मेरी अच्छी दोस्ती है। उनके बीच की दूरियों से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा मतलब केवल जुबीन से और अपने बच्चों से है और यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पुराण। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।